दो स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं जो अनलॉक थीम के रिप्रेजेंटेटिव हैं। इंडिया में जो वॉन्डर लस्ट हो रही है उसके भी बहुत अच्छा उनकी उस पर पल्स हैं उनकी। और हमारे साथ मिस्टर त्रिपाठी जुड़ रहे हैं और अमित भी जुड़ रहे हैं, दीवानी साहब। जेंटलमैन, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया ईटी नाउ स्वदेश से बात करने के लिए हमसे। त्रिपाठी जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, हमारे साथ एक गेस्ट भी हैं जो अनलॉक थीम पे बुलिश हैं, बहुत पहले से बुलिश थे इनफैक्ट ये कहना पड़ेगा, और वो हैं भसीन साहब। वो पूरे कंट्री में घूमते हैं लीजर के लिए और काम के लिए भी, और सबके फेवरेट हैं। और वो बता रहे थे कि अभी वो चंडीगढ़ गए थे कहीं, और वो बता रहे थे कि जिस हिसाब से एयरपोर्ट जैम पैक्ड हैं, फ्लाइट्स मिल नहीं रही हैं, होटल भी बुकड हैं। आप बताइए कि सबसे ज़्यादा किस एरिया में ट्रैवल हो रहा है, लोग जाना चाह रहे हैं, इंक्वायरीज आ रही हैं? सबसे ज्यादा ट्रैफिक हमें लॉन्ग वीकेंड पे मिल रहा है, और जो डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पे हमने 40-50% तक का इजाफा देखा है हमारी बुकिंग्स में, वो हैं आपके गोवा, कश्मीर, हिमाचल एंड जयपुर। ये चार ऐसी जगह हैं जहाँ पे बेहिसाब बुकिंग हमने देखी है। इनफैक्ट कुछ दिन ऐसे भी हैं जहाँ पे बुकिंग पिछले महीने के मुकाबले, पिछले साल के मुकाबले अगर आप कंपेयर करें तो 60-70% तक बढ़ गई है। ऑलराइट, बिल्कुल। अब तो हमारे साथ दोनों गेस्ट, अब क्योंकि ईज माई ट्रिप से भी और साथ ही स्टे विस्टा से, मैं अमित आपसे पूछना चाहूंगी एक बात, क्योंकि हमने कोविड के टाइम्स पे देखा था कि लोग ज्यादातर प्राइवेट विला लेना चाहते थे, होम स्टे लेना चाहते थे, अब किस तरह के ट्रेंड निकल कर आ रहे हैं? क्लियरली क्या आपको दिखता है कि कोविड के सारे फियर्स को पीछे रखते हुए लोगों को अब लगता है, ट्रैवलर्स को लगता है, टूरिस्ट को लगता है कि वी वॉन्ट बेस्ट ऑफ द स्टे, चाहे वो कितना भी रिस्क टेकिंग हो, होटल में स्टे चाहिए, लग्जरी प्रॉपर्टीज में स्टे चाहिए? Yeah, so I think पहली चीज ये है कि even during the last 2 years COVID के समय में लोग बहुत travel कर रहे थे, तो travel के बिना लोग जी नहीं पा रहे थे, तो उस हिसाब से the tradition or trend of traveling is not new, it's been happening over the last 2 years also. उस समय definitely people preferred privacy, exclusivity, तो villas में काफी लोग रह रहे थे, और वो trend continue रहेगा। किस तरीके से continue रहेगा, I think होटेल्स भी बहुत अच्छे कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू लेजर होटेल्स। अगर आप कश्मीर के स्टेटिस्टिक्स देखेंगे तो 20 साल में सबसे ज्यादा लोग कश्मीर गए हैं इन दिस ईयर, एंड दैट इज अक्रॉस ऑल अदर लेजर डेस्टिनेशंस एज वेल। सो पीपल आर ट्रैवलिंग अ लॉट, दे आर चूजिंग होटेल्स जब वो छोटे ग्रुप्स में जा रहे हैं, जब वो अपने ग्रुप्स है 8-15 लोग, तो वो सोच रहे कि हम एक विला में साथ में रहेंगे। तो जिस तरीके से लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो चेंज नहीं हो रहा है, बस बढ़ता जा रहा है। मैं एक बार इससे पहले कि मैं संजीव जी को जाने दूं, एक सवाल उनसे पूछूंगा। संजीव जी, सबसे पहले ये बताइए कि जितने भी अनलॉक ट्रेड और ट्रैवल के सारे स्टॉक्स अवेलेबल हैं, ऐसा कौन सा स्टॉक है जो आप 25% अगर करेक्शन आता है तो आप लेना चाहेंगे? एक, और पार्ट टू, आपका नेक्स्ट हॉलीडे किधर प्लान्ड है? तो देखिए अजय जी, 2 साल बाद हमारा ऑफ साइट विजिट हो रहा है दुबई, और वो कह रहे हैं दुबई में कोई होटल नहीं मिल रहा, कोई होटल नहीं मिल रहा बिकॉज ऑफ द लॉन्ग वीकेंड। दूसरी बात, एक चीज होती है, आप पूछिए, आप एक बात बताइए, आज आप हेडलाइन में पुतिन और रशिया क्यों नहीं बता रहे? बिकॉज द इवेंट इज ओवर, नाउ एवरीवन टॉक्स ऑफ द फेड एंड हायर इन्फ्लेशन, बट देर आर सो मेनी पीपल हु हैव बीन लॉक्ड इन फॉर 2 years, स्पेशली द एल्डर्स एंड द यू नो फैमिली, वो कह रहे हैं वी गो टू हेल विद कोविड, वी वॉन्ट टू गो आउट, वी वॉन्ट अ हॉलीडे, और आप वो रोक नहीं सकते। तो ये यू नो जितने आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, दे विल सीम शाय टू से इट, बट दे आर हैविंग द बेस्ट टाइम एवर इन लास्ट 3 years, एंड दिस इज नॉट गोइंग टू स्टॉप, क्योंकि लोकल डेस्टिनेशन, तो जो जो स्टॉक मैं लेना चाहता हूं अजय, वो है IRB इंफ्रा, फास्ट टैग में 20,000 किलोमीटर है, और जो बाहर नहीं जा सकते वो लोकल लोनावला या पूना या शिमला या मसूरी जा रहे हैं, और वो चौक ब्लॉक है, और IRB infra is only going to be laughing his way to the bank on any correction by IRB even now, ये शेयर आपको अगले साल तक डबल होके देगा। ये एग्जैक्ट, ये एक्चुअली बहुत हट के अनलॉक ट्रेड है, इस पे नजर जाती नहीं है किसी की, लेकिन आपने ये अच्छी बात बोली कि बहुत सारे लोग तो ड्राइव डाउन कर रहे हैं अपनी बड़ी बड़ी SUVs में, और यही रीजन है कि आपको जैम पैक्ड, अगर आप मुंबई गोवा हाईवे को पकड़ें तो आपको बड़े लंबे लंबे जैम्स दिखेंगे। लेकिन मैं ईज माई ट्रिप के डेटा को जानना चाहूँगा एक बार, अगर आप बता सकें साहब कि आपको सबसे ज़्यादा इंक्वायरीज किधर आ रही हैं, कौन से सेक्टर्स पे काफ़ी ज़्यादा, और लोगों का क्या पैटर्न बुकिंग का बदला है, क्या
क्या हॉलीडेज अब पूरी फैमिली के साथ मास बुकिंग्स हो रही हैं? अगर उसके बारे में कुछ डेटा शेयर कर सकते हैं आप त्रिपाठी जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं दो चार चीजें हाईलाइट कर देता हूँ बहुत जल्द। पहली बात तो यह है कि जैसे हमने देखा है कि 2-2.5 साल से लोग अपने घर में बंद पड़े हुए हैं, बाहर निकलने का मौका नहीं मिला, तो जैसे उनको मिला है वो उसका पूरा लाभ उठा रहे हैं। हमारी लैंग्वेज में हम उसे कहते हैं रिवेंज ट्रैवल, जो मेरे हिसाब से अगले एक साल तक रहेगा। लोग अपनी जितनी भी उनकी फ्रस्ट्रेशन है या फिर जितनी भी उनकी एक्साइटमेंट है बाहर निकलने की, वो अभी पूरा कर रहे हैं। और इसी वजह से हमने देखा है कि 40-50% तक हमारा इजाफा आया है मंथ ऑन मंथ बेसिस, 30% तक हमारी बुकिंग्स बढ़ गई हैं। ना इसके अलावा दूसरी चीज़ें ये भी हैं कि भाई जैसे आपका लोकल सर्किट है, खास तौर पे लॉन्ग वीकेंड को लेकर के लोगों ने उसका पूरा फायदा उठाया है। मेरे हिसाब से हम लोग रिवेंज ट्रैवल और बाकी सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, मेरे हिसाब से एक नया ट्रेंड आ गया है विच इज़ लिवरेजिंग लॉन्ग वीकेंड। 18 मार्च से 20 मार्च के बीच में पहला लॉन्ग वीकेंड आया था होली का, जहाँ पे हमने देखा कि हमारी बुकिंग जो है वो 40-50% बढ़ गई थी एडवांस बुकिंग। यही ट्रेंड इस बार भी है, गुड फ्राइडे आने वाला है और इस चक्कर में जो है हमने देखा है कि बुकिंग 40-50% फिर से बढ़ गई है। दुबई पूरी तरह से जैम पैक जा रहा है, मालदीव्स जैम पैक जा रहा है, US, UK, ऑस्ट्रेलिया, ये इंटरनेशनल डेस्टिनेशन हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा इजाफा हमने देखा है। और डोमेस्टिक का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। और दूसरी बात एक और है, Tier 2, Tier 3 मार्केट्स में हमें ज़्यादा बिजनेस मिल रहा है कंपैरेटिवली, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। लोग बाहर आना चाहते हैं, फ्लाइट्स यूज़ करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। 40-50% वृद्धि और हुई है उन चीज़ों में जहाँ पे लोग एडवांस बुकिंग फटाफट करते हैं, वेट नहीं करते, लाइक लास्ट मिनट बुकिंग जो है वो बढ़ गई है। सो ये सारी चीज़ें जो हमने देखी हैं। और परिवार के साथ लोग जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, 4-star 5-star होटल्स में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब उनकी जो है वो चीप टिकट्स और अफोर्डेबल प्रायोरिटी नहीं है, उनकी प्रायोरिटी है कि भाई सेफ्टी से हम लोग अच्छी जगह पहुँचें ताकि फैमिली के साथ हम लोग इन्जॉय कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हमने अपने प्लेटफॉर्म पर देखी हैं। इंटरेस्टिंग डेटा आपने ये बताया है कि इस तरह रुझान जो है Tier 2, Tier 3 सिटीज पर भी है, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स भी काफी सारे एडवांस बुकिंग कर रहे हैं। तो अगर हम सिर्फ इस लॉन्ग वीकेंड की बात कर रहे हैं, उसके अलावा कहां तक की आपको एडवांस बुकिंग्स देखने को मिल रही है, क्वेश्चन नंबर वन। और दूसरा ये भी जानना चाहूंगी मैं कि अगर आपको स्प्लिट करना हो, डोमेस्टिक ट्रैवलर्स ज्यादा है, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स ज्यादा है, तो ये स्प्लिट में आप क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता सकते हैं? क्योंकि अभी भी क्या किसी तरह के कोविड रिस्ट्रिक्शंस किसी भी कंट्री में है जिसके कारण एक हिच है कि इंटरनेशनली ट्रैवल नहीं करना? देखिए इंटरनेशनल ट्रैवल ना रिजम्पशन अभी इसका शुरू हुआ है। पहले जो था कोविड से पहले 65-65% तक जो हमारा बिजनेस था वो हमें डोमेस्टिक सर्किट से मिलता था, 35% जो है वो हमें इंटरनेशनल सर्किट से मिलता था। कोविड के बाद यह नंबर चेंज हो गया, 96% हो गया है हमारा डोमेस्टिक और 4% हो गया है हमारा इंटरनेशनल, जो अब हम उम्मीद कर रहे हैं बढ़ेगा। ये 4 से डबल डिजिट की ग्रोथ अब आएगी इसमें। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये जो डेस्टिनेशन मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, चाहे वो दुबई हो, मालदीव्स हो, US हो, UK, ऑस्ट्रेलिया हो, यहाँ पे वो कहते हैं जैसे खचाखच भीड़ भरी हुई है, लोग तैयार हैं जाने के लिए। सो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा ट्रेंड है। और रही बात आपके सवाल की कि भाई किस तरह का ट्रेंड आप देख रहे हैं, देखिए समर सीजन शुरू हो गया है, लोग छुट्टियों की प्लानिंग करनी शुरू कर दी है। हमने मई जून में जो देखा है, यूजली पिछले साल के मुकाबले 20-30% एडवांस बुकिंग ज्यादा हुई है, लोग मई जून की तैयारी अभी से करके बैठे हुए हैं। सो जैसे लास्ट मिनट बुकिंग बढ़ रही है, वैसे ही फैमिली का मई जून को लेकर के भी बढ़ रहा है। 185 करोड़ के आसपास वैक्सीनेशंस लगाई जा चुकी हैं, डोसेस दी जा चुकी हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इससे काफी कॉन्फिडेंस आ गया है, काफी ज्यादा इम्यूनिटी बिल्ड हो गई है, तो लोगों के अंदर ये फेथ भी आ गया है। 2 साल से हम लोग मास्क पहन रहे हैं, सैनिटाइजर लगा रहे हैं, यूज टू हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये सारी चीजें जो है हम देख रहे हैं। अमित, आप भी अपने इंडस्ट्री में इंक्वायरीज के बल पे ये फोरकास्ट कर पाते होंगे कि फ्यूचर डिमांड कैसी आ रही है। आपने कैसे रूम एडिशंस किए हैं लास्ट कुछ महीनों में और किस तरह की तैयारी कर रहे हैं आप अपनी प्रॉपर्टीज ऐड करने के लिए? सो पहली चीज तो यही है कि लॉन्ग वीकेंड के लिए तो सब जगह हमने देखे सोल्ड आउट हो जाते हैं। सो हमारे जो भी विलाज अक्रॉस इंडिया है वहां पे सोल्ड आउट रहा है, तो फर्स्ट फोकस वही रहता है, कैन वी गेट प्रॉपर्टीज लाइव बिफोर दीज लॉन्ग वीकेंड डेज। साथ साथ जैसे हिमांक जी ने बताया, मई जून के लिए लोग अभी से ही बुक करना शुरू कर दिए और फैमिलीज के लिए लॉन्ग स्टेज के लिए बुक करने लग गए, क्योंकि इस गर्मी में सभी को शहर से निकल के पहाड़ों में जाना है, तो उसके लिए 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए लोगों ने ऑलरेडी बुक करना शुरू कर दिया है। एंड वो ट्रेंड हमने देखा है कि वन, बिकॉज यू आर एबल टू वर्क फ्रॉम एनीवेयर एंड यू आर एबल टू स्टडी फ्रॉम एनीवेयर, कि आप लैपटॉप पे बैठ गए, जूम पे आपका स्कूल शुरू हो गया,
तो उसके कारण लोग लंबे छुट्टियां ले रहे हैं इन समर हॉलीडेज में भी, और साथ साथ वीकेंड्स भी लंबे हो गए हैं क्योंकि वो फ्राइडे को भी ऑफिस से निकल के जा सकते हैं, मंडे को वहां से काम कर सकते हैं और वापस आ सकते हैं। तो ये दो ट्रेंड हमने बहुत ज्यादा देखे हैं। और लास्टली मैं एक और चीज ऐड करूंगा जो संजीव जी ने बताया कि वो भी अपने कॉर्पोरेट ऑफसाइट प्लान कर रहे हैं, ये बहुत बढ़ते जा रहा है क्योंकि इतने सारे टीम्स अपने ऑफिस नहीं आ रहे थे, एक दूसरे से मिल नहीं रहे थे, और अभी किस तरीके से उनको साथ में लाया जा सकता है, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उसके लिए ये ऑफसाइट बहुत बढ़ते जा रहे हैं जिसके लिए लोग आसपास उनके सिटी के जा रहे हैं साथ में मिलने के लिए। बिल्कुल अमित, पूरी उम्मीद भी करते हैं और विश भी हम यही करते हैं आफ्टर अ लॉन्ग हॉल जो आप ट्रैवल प्लान्स लोग बना रहे हैं वो इसी तरह से कायम रहे और आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये पॉजिटिव साबित होता हुआ दिखे परफॉर्मेंस के लिहाज से। हिमांक, कमिंग टू यू, गुड मॉर्निंग। ट्रैवल सर्विस प्रोवाइडर्स ने काफ़ी हद तक सरकार के इस मूव्स को वेलकम किया है जहाँ पर हम बूस्टर कोविड शॉट्स का, यहाँ पर बूस्टर शॉट्स की बात कर रहे हैं, वैक्सीन शॉट्स की बात कर रहे हैं। अब ये तमाम सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए एक बार पैटर्न ज़रा समझाइए, जैसे अमित भी अभी बता रहे थे किस तरह से पैटर्न है लोगों के ट्रैवल्स के, इंटरनेशनल ट्रैवल और साथ ही डोमेस्टिक ट्रैवल में लोग अभी भी क्या पसंद कर रहे हैं और क्या कुछ हैं जो कि माइंडसेट है, बिहेवियर है अभी ट्रैवलर्स का? देखिए, माइंडसेट थोड़ा चेंज हो गया। पहले क्या होता था, आप दौड़ते हुए भागते थे एज अ कस्टमर तो फिगर आउट कि बेस्ट कूपन मिल जाए, बेस्ट डिस्काउंट मिल जाए और मैं अपनी फैमिली को सबसे सस्ते तरीके से घुमा फिरा के ले आऊं, बस हो जाए। जिस तरह से अब सब चेंज हो गया, अब जब हमारी क्वायरीज आती हैं, 99% ऑफ द क्वायरीज तो पूछते हैं कि भैया सेफ्टी सैनिटाइजेशन का क्या सिस्टम है, क्या आपके पार्टनर्स इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ में उनको ये चीज भी लगती है कि भाई अब हम अब हाल फिलहाल अगर बीमार पड़ गए तो हमारे पैसे तो गए, कैंसिलेशन फी का क्या सिस्टम है, हमारे रिफंड कैसे मिलेंगे। तो हमने अपने सिस्टम में शुरू किया कि भाई अगर आप बीमार हैं, इरिस्पेक्टिव क्या बीमारी है, आप बस अपना मेडिकल बिल सबमिट कर दीजिए, हम आपको फुल रिफंड दे देंगे। इससे बहुत फर्क पड़ गया। आपने देखा कि 65% जो हमारे ट्रैवलर्स हैं वो इस ऑप्शन को लेते हैं, फ्री है, कोई पैसे नहीं देने, तो उनको ये प्रायोरिटी ज्यादा लगती है। वो 4-5 स्टार होटल्स में जाना ज्यादा पसंद करते हैं, रिजॉर्ट्स में, प्रॉपर्टीज में, उनको लगता है कि वहाँ स्पेस ज्यादा होगी, टेक्नोलॉजी ज्यादा अच्छी मिलेगी, कॉन्टैक्टलेस। अगर आप देखते हैं, आप किसी भी होटल में जाएं आजकल आपको QR मेन्यू में देखने को मिलता है, ये सारी टेक्नोलॉजी आपको होटल्स में अगर दी जाती है तो लोगों का रुझान उस तरफ ज्यादा जाता है। मेरा एक और फिलोसफी है, मैंने ट्रेंड देखा है, आई डोंट नो ऑफिशियली उसका क्या नेम होगा इंडस्ट्री में, आई कॉल इट KHNH मूवमेंट, विच इज कल हो ना हो मूवमेंट। लोग अब देखिए, ये रिवेंज ट्रैवल से अलग है, लोग बैठे हैं कि भाई देखिए हमने पता नहीं कल क्या होगा, हम ऐसा करते हैं अपनी जो फेवरेट प्लेस है अपने फेवरेट लोगों के साथ आज ही दिखाते हैं, रेट की उनको टेंशन नहीं है, अवेलेबिलिटी मिल जाए वो उसी समय पैक करते हैं निकल जाते हैं। सो आई थिंक ये हमने चीजें देखी हैं बड़ी अच्छी तरीके से हो रही हैं। और दुबई फॉर एग्जांपल, इंटरनेशनल ट्रैवल की अगर हम बात करें तो दुबई का जितना क्रेज है वो शायद ही मैंने पिछले 2-3 साल में देखा होगा, प्री कोविड के टाइम से पहले भी और अभी भी जिस तरह का रुझान है। और वहाँ काफी सारी चीजें भी हो रही हैं, जैसे अब आईफा होने वाला है तो ये सारे जो बड़े बड़े इवेंट हैं, एक्सपो है, इससे बहुत बड़ा अट्रैक्शन मिल रहा है। और भले ही एयर फेयर बढ़े हुए हैं, 20-30% का इजाफा हुआ है बिकॉज ऑफ एयर फ्यूल कॉस्ट बढ़ गई है, मगर फिर भी लोग जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, फैमिली के साथ जाना चाहते हैं और ना सिर्फ इंडिया बट दुनिया में भी घूमना चाहते हैं। स्पेन, स्विट्जरलैंड, जर्मनी कुछ प्लेसेस है जहां पे बूस्टर डोज को प्री रिक्वेस्टेड डाला हुआ है कि भैया आप करें। तो अब अगर ये बूस्टर डोज 18 प्लस लोगों को दे दी गई है इंडिया में तो उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा, वहां जाना भी आसान हो जाएगा। बात तो सही कह रहे हैं, स्पेशली यूथ में और मिलेनियल्स में ये कल हो ना हो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवमेंट, ये पूरी लाइफ ऐसे ही लीड कर रहे हैं। बड़ा अच्छी बात है, उससे कम से कम कंजम्पशन तो होता है। और अमित जी के जो विलाज हैं वो जो हैं कॉरपोरेट्स लिए जा रहे हैं, वो थोड़े से एफ्लुएंट अल्ट्रा हाई नेटवर्क जो स्टॉक मार्केट बेनिफिशरीज हैं वो पूरे पूरे विलाज 50,000 रुपीज अ नाइट वाले बुकिंग्स हो रही हैं। तो अच्छी बात है, एटलीस्ट कंजम्पशन तो बढ़ रहा है। आपने दुबई की ये बात की, मैं आप दोनों से एक सवाल पूछूंगा कि क्या एवरेज स्पेंड ऑन अ हॉलीडे इंडियन ट्रैवलर का लास्ट 3-4 साल, ये 2 साल को हटा दीजिए कोविड वाले, वो एडजस्ट कर दीजिए, अगर आप 5 साल पहले और अब बात करें तो कितना ऊपर हो गया? एक फैमिली एक हॉलीडे पे कितना स्पेंड करती थी 5 साल पहले, अब कितना करती है? अमित आप बताइए पहले ऑन एवरेज। सो आई थिंक पहली प्रायोरिटी लोगों की यही रही है कि सेफ्टी, प्रिवेसी, सिक्योरिटी, तो दे आर रेडी टू पे एक्स्ट्रा फॉर दैट। तो हमने जो देखा है लगभग 25% ज्यादा पीपल आर रेडी टू पे फॉर दैट एंड दे आर लुकिंग फॉर ट्रिप्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो जैसे हिमांक जी ने बोला कल होना हो, तो उस हिसाब से वो सोच रहे कि जब भी मौका मिले
उस पे चौका मारे, तो हर तीन चार महीने एक ट्रिप करने का सोचते हैं लोग. तो दोज आर द ट्रेंड्स दैट वी हैव सीन, दे आर रेडी टू स्पेंड एंड सेकंड डू इट रेगुलरली. एब्सोल्युटली, बिल्कुल. तो ऐसे में हिमांक आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप एवरेज कितना एक्सपेंड देखते हैं. जाहिर तौर पर जब दो साल के बाद जेब से पैसा निकल रहा है, ज़्यादा हो कम हो इसकी तो फिक्र नहीं है. आज जिस भी ट्रैवलर को जाना है, लेजर इंपॉर्टेंट है, हॉलीडे इंपॉर्टेंट है, तो एक एवरेज स्पेंड कितना परसेंट बढ़ गया होगा, आपके पास कुछ ऐसी फिगर्स हो? मान के चलिए तकरीबन 20-30% का इजाफा तो यकीनन है, बढ़ा ही है. और ये चीजें हम नोटिस करते हैं. हमने अभी कस्टमर से नहीं सुना है कि यार मेरा एक्सपेंस बढ़ गया. उनको तो लगता है कि भाई मेरी बुकिंग हो गई है, जिस दिन मुझे जाना था, जहां जाना था, मुझे वो जगह मिल गई तो मैं बहुत खुश हूँ. और साथ में जैसे अगर हमारे यहाँ बुक करते हैं तो आपको फुल रिफंड मिल जाता है, तो आप उसका भी फायदा है कि भाई चलिए इम्यूनिटी बढ़ गई है, मेरा पैसा भी सेफ है और मैं घूम के भी आ रहा हूँ. सो कोई कस्टमर नहीं कह रहा कि भाई रेट बढ़ गए हैं, ये चीजें हो गई हैं. हाँ, और उसके ऊपर से अगर अब देखा जाए कि भाई 20-30% और एयरफेयर बढ़ गया है बिकॉज फ्यूल कॉस्ट इंक्रीज हो गए हैं, तो कस्टमर्स थोड़ा सा जिटर कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल करने में थोड़ा सोच रहे हैं, बट नंबर कम नहीं हुए हैं, नंबर हमारे बढ़ ही रहे हैं. तो ये एक बहुत अच्छी बात है जो हमने देखी. एक और चीज मैं ऐड करूंगा, अप्रैल मई में पिछले दो साल में जिसके भी बर्थडे या एनिवर्सरीज हुए हैं, उन्होंने दो साल से कहीं बनाया नहीं है. ये समय पे दोनों साल लॉकडाउन थे, तो आप देखेंगे कि इस साल सबको बहुत बड़े रूप में उनके बर्थडेज या एनिवर्सरीज को सेलिब्रेट करने हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट जाना हो, होटल्स जाना हो, विलास जाना हो, पर उनको कुछ करना है. और वो एटीट्यूड बदलने नहीं वाला है, वो चांस है अभी सेलिब्रेट करने का. Said. In fact, the revenge tourism का जो concept है जिसका लगातार हम जिक्र कर रहे थे, now is the time जब हम देख रहे हैं लोग travel करना शुरू कर चुके हैं. और clearly जिस तरह से हर occasion हो चाहे, ये जो दो साल से जो कसर नहीं पूरी कर पाए थे अब कर रहे हैं. लेकिन शादियां भी है मानसी, आप देखे ना, तो destination weddings भी रुक गई थी. क्या ऐसा भी trend निकल के आ रहा है अहमद कि आपको unusual volume दिख रहे हो, ये ज्यादा requirement destination weddings की दिख रही हूँ? आई थिंक लोगों के दिमाग में वो इंटीमेट वेडिंग्स का आइडिया बैठ गया है कि पिछले दो साल से वो सिर्फ शादियां 10-50 लोग के कर सकते थे. तो अगर 10-50 लोग के करे तो क्यों नहीं एक बहुत ही सुंदर जगह पे करे, जहाँ पे योर बैकड्रॉप इज अ वैली और इट्स ऑन द लेक. तो वो ट्रेंड हमने जरूर देखा है, पीपल वॉन्ट टू हैव इंटीमेट वेडिंग्स बट उनको एक घर के अंदर नहीं करना है, उनको एक बहुत ही सुंदर लोकेशन पे करना है. ट्रेंड है और इनफैक्ट ये सही भी है एक तरह से, क्योंकि लोग जो है क्लोज निट वेडिंग अब प्रेफर कर रहे हैं और उसके बाद आगे प्रियंका घूमना जाना यहाँ पर ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं. ऑफ कोर्स यहाँ पर हम देख रहे हैं ट्रैवल टूरिज्म जो है माइल्स अवे अब भी सेक्टर जो है प्री पैंडमिक लेवल्स पर है, लेकिन उम्मीद पूरी यही करते हैं कि जिस तरह से ट्रेंड शुरू हुआ है आपके कारोबार में भी एक बढ़िया तेज़ी ज़रूर देखने को मिले और ट्रैवल जो है लोगों के बिल्कुल अब रुके नहीं और जो स्थिति हमने कोरोना की देखी थी वो फिर से कभी ना आए और फिर से ट्रैवल जो है बिल्कुल भरपूर मात्रा में देखने को मिला. आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास पेशकश में अपनी एनालिसिस आपके सेक्टर से जुड़ी बातचीत हमें बताने के लिए. मानसी शरद हमारे साथ है.